एक गुरु की 6 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा एवं आप हमेशा खुश रहेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, इन 6 बातों को जानने के लिए आपको इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी को अंतिम तक सुनना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम आपको ऐसी 6 बातों को बताते हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखते हैं एवं उन पर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा एवं आप हमेशा ही खुश रहेंगे। मित्रों, बहुत पहले के समय में शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में गुरु होते थे जो अपने शिष्यों को शिक्षा तो देते ही थे, साथ में वो अपने शिष्यों को अच्छे संस्कार भी दिया करते थे एवं जीवन में बहुत ही उपयोगी, जो व्यक्ति के जीवन में काम आए ऐसी आवश्यक बातों को भी बताया करते थे। तो मित्रों, वह 6 बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक गुरुकुल में एक शिष्य ने एक बार अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आज हमें आप कुछ ऐसी बातों को बताइए जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद एवं बहुत ही उपयोगी हो। गुरु ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी 6 बातों को बताता हूँ। अगर मेरे बताए गए इन 6 बातों का जो भी अपने जीवन में पालन करेगा वह सदैव सुखी एवं खुश रहेगा। मित्रों, तब गुरु कहने लगे, हे शिष्य, मनुष्य का पहला जो सुख है वह उसका स्वस्थ रहना है। मनुष्य का निरोगी होना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। रोग से ग्रसित, कष्ट और पीड़ाओं को भोगता हुआ व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ना ही वह प्रसन्न रह सकता है। जीवन में कितनी भी खुशियां, धन वैभव संपत्ति हो, परंतु अगर व्यक्ति रोग से ग्रसित है तब भी वह अपने धन संपत्ति वैभव से प्रसन्न नहीं रह सकता। रोग से ग्रसित व्यक्ति के आसपास का माहौल चाहे जितना भी प्रसन्नता से पूर्ण हो, लेकिन रोगी व्यक्ति को कुछ भी नहीं भाता। इसलिए शरीर को अगर दुख मिले तो मानसिक कष्ट हो ही जाता है, और मानसिक कष्ट होने से व्यक्ति अनेक चिंताओं से घिर जाता है। ज़्यादा चिंता करने से शरीर सूखता है, शरीर का बल समाप्त होने लगता है और बुद्धि भी क्षीण होने लगती है। कोई रोग हो जाने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों की हानि होती है। रोग होने से व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता। रोगों के कारण व्यक्ति के धन की एवं शरीर की और मन की, अर्थात तन मन और धन, इन तीनों की रोगों की वजह से हानि होती है। हे शिष्य, दूसरी बात है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में सुखी एवं प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे ऋण नहीं लेना चाहिए, अर्थात कर्ज नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति को अपने आमदनी के अनुसार ही धन को खर्च करना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आमदनी से ज़्यादा धन खर्च कर देते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, फिर कर्ज को चुकाने का मानसिक तनाव बन जाता है और मानसिक तनाव के कारण सुख और प्रसन्नता क्षीण होने लगते हैं। अगर कर्ज पर ब्याज चढ़ा हो तो वह और भी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन को नुकसान करता है, क्योंकि कई लोग ब्याज पर कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुकाने में असमर्थ होते हैं। कर्ज घर में कलह का भी एक कारण बनता है, जिससे जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि कर्ज लेने वाले व्यक्ति के साथ उनका परिवार भी परेशान रहता है। अतः जो लोग कर्ज नहीं लेते वह सुखी रहते हैं। जो लोग अपने शानो शौकत को या फिर दिखाने के लिए ब्याज पर कर्ज लेते हैं और उनकी आय अर्थात कमाई इतनी नहीं है कि वो फिर उस कर्ज को आसानी से चुकता कर दें, तो ऐसे लोग हमेशा ही अपने जीवन में दुख ही पाते रहते हैं और मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए जितना हो सके कर्ज लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए। फिर गुरु कहते हैं, हे शिष्य,
तीसरी बात यह है कि व्यक्ति को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। संगति का भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हे शिष्य, नीच व्यक्ति की संगति ऐसी है कि जिस प्रकार पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिर जाए तो वह नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति की संगति अच्छे व्यक्ति को भी बर्बाद कर देती है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़े तो वह मोती की तरह चमकने लगती है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञानी पुरुषों की, विद्वान लोगों की एवं अच्छे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। अच्छे लोगों का संग करने से व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। चौथी बात यह है कि अपने देश में ही व्यक्ति को रहना चाहिए। कई व्यक्ति कई कारणों के वश दूसरे देश में रहते हैं, ऐसे उन्हें बहुत सारी समस्याएं परेशानियों को झेलना पड़ता है। अपने देश में रहने से व्यक्ति को जो सुख, जो खुशी, जो सुकून, जो शांति मिलती है वह पराए देश में नहीं मिलती। पांचवी बात यह है कि व्यक्ति को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता वह अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए स्वयं ही धन कमाने के योग्य है और वह स्वयं धन कमाता भी है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुखी माना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो कोई सम्मान करता है और ना ही उनका कोई स्वाभिमान होता है। हे शिष्य, छठवीं बात यह है कि हर एक मनुष्य को बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपना जीवन जीना चाहिए। जो लोग बिना किसी डर के जीवन जीते हैं वो हमेशा ही सुखी रहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना दुश्मन तैयार कर लेते हैं जो उनसे भी ताकतवर होता है, और ऐसे लोग उस अपने से भी ज़्यादा बलशाली दुश्मन से हमेशा ही डरते रहते हैं। वह हमेशा ही यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर मेरा दुश्मन कहीं मेरा या फिर मेरे परिवार का कोई हानि न कर दे। इसलिए हे शिष्य, दुश्मन किसी भी प्रकार का हो वह अच्छा नहीं होता। इसलिए जो लोग किसी से भी बैर या दुश्मनी नहीं करते वह बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपना जीवन सुख से जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मित्रों, इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को छह बातों को बताया जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बहुत ही उपयोगी है।